नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमाशंकर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अज लोक सभा विच राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद मते ते जवाब दित्ते जाण दी संभावना। प्रधानमंत्री अज विश्व स्थिर विकास शिखर सम्मेलन 2021 दा करनगे उद्घाटन। चोण कमिशन की पूरी टीम मुख्य चोण कमिश्नर की अगवाई हेठ तमिलनाडु के दो दिन दौरे ते आज चेन्नई जाएगी। सूबा विधानसभा दी चोणां लई कीतियां जा रही तैयारियां का जायजा लवेगी। इस महीने लगातार पंजवें दिन भी कोविड-19 महामारी कारण मरण वालियां दी गिनती 100 तों हेठा दर्ज की गई। कोरोना तो ठीक होण वालियां दी दर 97.27% ते पहुंची। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटन नाल प्रभावित हुए इलाकों में 32 व्यक्तियों की लाशां बरामद, 174 अजे भी लापता। NTPC के 12 होर व्यक्तियों को बचाया गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अज लोक सभा विच राष्ट्रपति के भाषण से धन्नवाद मते ते जवाब दिते जाण दी संभावना है। खेती कानूनों के मुद्दे के उत्ते किसानों के अंदोलन कारण लोक सभा की कार्रवाई में हफ्ता भर विघन पैन तो बाद राष्ट्रपति के भाषण से धन्नवाद मते ते कल तो चर्चा मुड़ तो शुरू हुई सी। चर्चा में हिस्सा लैंदिया खेती और किसान भलाई राज मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ सरकार ने देश में खेती सैक्टर को हुलारा देने कई कदम चुके ने। उन्होंने कहा कि सरकार वालों कई फसलों की MSP में वाधा किया गया है और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों कोविड-19 महामारी की रोकथाम लई चुके गए समय सिर कदमों कारण वड्डी गिनती विच देश दे लोकां नूं इस महामारी तो बचाउण विच मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज विश्व स्थिर विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस राही किए जाने वाले इस शिखर सम्मेलन का विषय साढ़े सांझे भविख की मुड़ व्याख्या सारे लिए सुरक्षित वातावरण है। 10 तो 12 फरवरी तक चलन वाला यह 3 दिन शिखर सम्मेलन एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट का 20वां प्रोग्राम है, जिस दौरान पौन पानी की तब्दीली विरुद्ध लड़ाई में वड्डी गिनती में सरकारां कारोबारी आगू विद्वान वातावरण विज्ञानी नौजवान और सिविल सोसायटी के लोग हिस्सा लेंदे ने। शिखर सम्मेलन दौरान कुदरत आधारित समाधाना जलवायु वित्त साफ समुद्रां अते हवा प्रदूषण समेत कई होर विषयां ते चर्चा किए जाने की संभावना है। वातावरण जंगलात अते पौन पानी तब्दीली नवी अते नवियोन योग ऊर्जा अते धरती विज्ञान मंत्रालय इस सम्मेलन के मुख भाईवाल ने। गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मुहम्मद इरफान अली, पपुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे, मालदीप की पीपल्स मजलिस के स्पीकर मुहम्मद नशील, संयुक्त राष्ट्र की डिप्टी कमिश्नर सकत्र जनरल अमीना ने जे मुहम्मद अते केंद्रीय वातावरण जंगलात अते पौन पानी तब्दीली बारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस शिखर सम्मेलन दौरान मौजूद होंगे। चोण कमिशन की पूरी टीम अज चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा चोणों लई कीतियां जा रही तैयारियों का जायजा लवेगी। मुख्य चोण कमिश्नर सुनील अरोड़ा अपने दो चोण कमिश्नर सुशील चंद्र राजीव कुमार अते कमिश्नर दे सकत्र जनरल उमेश सिन्हा नाल अज तो अपना दो दिन तमिलनाडु दौरा शुरू करेंगे। इस दौरे दौरान चोण कमिशन सूबे दियां सियासी पार्टियां दे नेतावां पुलिस अधिकारियां अते जिला चोण अधिकारियां नाल विधानसभा चोणां लई चल रही तैयारियां की समीक्षा करेंगे। सूबे दे मुख चोण अधिकारी सत्यव्रत साहू अनुसार कोविड-19 महामारी दे मद्देनज़र पोलिंग बूथां की गिनती वधाई जाएगी और चोणां लई होर प्रबंधां ते चर्चा की जाएगी। कमिश्न ने पिछले साल दसंबर में जिला चोण अधिकारियां अते पुलिस अधिकारियों ने वर्चुअल तौर पर मीटिंग भी की सी। कमिश्न ने मैंबर भलके सूबे के मुख सकत्र अते होर महकमे के सकत्रां अते सीनियर अधिकारियों नाल भी मीटिंग करनगे अते बाद विच पत्रकार नाल गलबात करनगे। तमिलनाडु का दौरा खत्म करन तो बाद पूरी टीम हैलीकॉप्टर राही पुडुचेरी लई रवाना हो जाएगी। इस महीने लगातार पंजवें दिन भी कोविड-19 महामारी कारण मरण वालियां दी गिनती 100 तो हेठा दर्ज की गई। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय वालों अपडेट किए गए डाटा अनुसार देश में पुष्टि वाले कोविड मामलों की कुल गिनती 1,08,58,371 हो गई है, जिन्हां विचों 1,05,61,608 नूं ठीक होने तो बाद छुट्टी दी जा चुकी है। देश में कोरोना तो सेहतयाब होने की दर 97.27% है, जबकि मौत दर 1.43% है। देश में कोरोना कारण हुण तक 1,51,252 लोगों की मौत हुई है।
जिन्हां विच्चों 94 मौतां बीते दिन होईयां ने। इस वेले एक्टिव मामलियां दी गिनती 2 लाख तों हेठ आए अते बीते दिन तक देश विच कुल 1,41,511 एक्टिव मामले सन, जो पुष्टि वाले कुल मामलियां दा 1.3% बनता है। भारतीय मैडिकल खोज परिषद अनुसार बीते दिन तक 20,33,24,655 नमूने टैसट किए जा चुके सन, जिन्हां विच बीते दिन की गई 7,36,903 नमूनिया की जांच भी शामिल है। केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठन FPO के गठन लिए नवी केंद्रीय योजना शुरू की। इस योजना अधीन 10,000 संगठनों के निर्माण से उन्होंने उत्साहित करने लिए 68,65,00,00,000 रुपए के बजट की तजवीज़ की गई है। खेती मंत्रालय वालों जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि किसान उत्पादक संगठन उत्पादक समूहों के तौर पर विकसित किए जाएंगे। इन्होंने संगठनों के मैंबर सुखाला बाजार उपलब्ध कराने के अर्थचारे को उत्साहित करने लिए खेती बागवानी फसलों के उत्पादकों के संगठन बनाए जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि केंद्र की माली मदद लई चलाई जाने वाली इस योजना अधीन सरकार दीयां एजेंसियां राही FPO बनाए जाएंगे अते उन्हां नूं उत्साहित किया जाएगा। सरकार ने फिलहाल अजिहियां 9 एजेंसियों के नाँ तय किए हैं। यह एजेंसियां हरेक FPO नूं 5 साल लई रजिस्टर्ड करनगियां अते उन्हां नूं पेशेवराना सहायता उपलब्ध कराउणगियां। यह काम समूह आधारित कारोबारी संगठन CBBO राही किया जाएगा। हरेक संगठन 3 वर्षों के अरसे 18 लाख रुपए तक की माली मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि FPO का गठन खेती को आत्मनिर्भर खेती में बदलन की दिशा वाल पहला कदम है। इस नाल उत्पादन की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और संगठन के मैंबर की आमदन में भी वाधा होगा। BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए की लाश कल जम्मू जिले के सांबा सैक्टर में कौमांतरी सरहद नेड़े पाकिस्तानी रेंजर के हवाले कर दी। सरकारी सूत्रों अनुसार BSF ने बीते सोमवार को एक पाकिस्तानी घुसपैठिए सांबा सैक्टर में भारतीय खेत्र से घुसपैठ करने की कोशिश करदिया मार मुकाया। सूत्रों अनुसार मारे गए घुसपैठिए की पछाण पाकिस्तान के नारोवाल जिले के पिंड दरमन के एक नागरिक वजो की गई। सूत्रों अनुसार घुसपैठिए की लाश कल कौमांतरी सरहद से 0 पॉइंट से हुई BSF पाकिस्तानी रेंजरों विचाले फ्लैग मीटिंग दौरान रेंजरों के हवाले की गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटन मगरों आए हड़ा कारण प्रभावित खेतरां विच राहत ते बचाव काम पूरे जोर नाल चल रहे ने। हुण तक 32 व्यक्तियों दी लाशां बरामद कर लिया गई ने। सूबा सरकार की एक रिपोर्ट मुताबक 174 लोग अजे भी लापता दसे जाते हैं। इस दौरान NTPC के 12 होर व्यक्तियों को बचा लिया गया है, जिन्हां विचों 6 जख्मी ने। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आफत नाल प्रभावित इलाकों का दौरा किया अते अधिकारियों को बचाव ते राहत काम तेज़ करने की हदायत दी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने फगवाड़ा नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच के एक इंस्पैक्टर 1 लाख रुपए की रिश्वत लैन के दोष हेठ गिरफ़्तार किया है। विजिलेंस ब्यूरो के DGP और मुख्य डायरैक्टर BK उपल ने चंडीगढ़ में दसिया कि निगम के इंस्पैक्टर पाल परनीत सिंह ने फगवाड़ा के वसनीक सिंदर सिंह कोलों 20 मरले में बनाए जाने वाले मकान का नक्शा पास कराने लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की, जो उसनू 50,000 रुपए दी 2 किश्तों दे दिए गए सन। नक्शा पास न होने पर सतिंदर सिंह के पिता जसविंदर सिंह ने फगवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस वालों की गई जांच दौरान पाल परनीत सिंह ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लैन की गल मनी, जिस तों बाद कथित दोषी विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकू कानून अधीन मामला दर्ज करके उसनू गिरफ़्तार कर लिया गया है। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरें एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आज लोक सभा में राष्ट्रपति के भाषण से धन्यवाद मते से जवाब दिए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री आज विश्व स्थिर विकास शिखर सम्मेलन 2021 का करेंगे उद्घाटन। चोन कमिशन की पूरी टीम मुख्य चोन कमिश्नर की अगवाई हेठ तमिलनाडु के 2 दिन दौरे पर अज चेन्नई जाएगी। सूबा विधानसभा दी चोणां लई कीतियां जा रही तैयारियों का जायजा लवेगी। इस महीने लगातार 5वें दिन भी COVID-19 महामारी कारण मरण वालों की गिनती 100 तो हेठां दर्ज की गई। कोरोना तो ठीक होने वालों की दर 97.27% ते पहुंची। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटन नाल प्रभावित हुए इलाकों विचों 32 व्यक्तियों की लाशां बरामद, 174 अजे भी लापता। NTPC के 12 होर व्यक्तियों बचाया गया। इस खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।